अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चावल मटर की है। ये मैंने अय्याम फातिमिया के सिलसिले में न्याज के लिए बनाया था, थोड़े ही मकदार में बनाया था ये, और ज़ाफ़रानी सूजी। तो पहले आप ये चावल के लिए अज्जा नोट कर लें। आप इसके लिए पहले आप तेल डालेंगे। सिंपल सा रेसिपी है और सिंपल सी रेसिपी है और आसानी से बन जाता है। तो तेल में हम डालेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है बोनलेस और इसके मैंने क्यूब्स काटे हैं। इसमें हम डालेंगे लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा। थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे, पेस्ट बनाकर प्याज इसमें डालेंगे हम। एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया था। अब इसमें अदरक पाउडर डालेंगे आप। प्याज का पानी खुश्क हो चुका है, इसमें धनिया पाउडर डाल दें। और इसमें अब लहसुन पेस्ट डालेंगे आप, गरम मसाला, और आप इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। कुटा हुआ जीरा आप डाल दें ऊपर से। और आखिर में आप नमक डाल देंगे। फिर आप डालेंगे टमाटो पेस्ट। आधा कप मैंने टमाटो पेस्ट लिया था वो डाल दिया इसमें। अब आपने इसको अच्छी तरह से भुनना है ताकि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। इसमें आप हरी मिर्च डालेंगे काटकर और उबले हुए मटर। पाँच मिनट तक भुनने के बाद फिर आप इसमें चावल को डाल देंगे। चावल मैंने भिगोकर रख दिया था, अब आप इसमें चावल डालेंगे। आप इसमें चावल के हिसाब से पानी और नमक डालेंगे और अब आप इसे पकने के लिए रख देंगे। मटर चावल तैयार हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।